जनता है तो महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद का योगदान है कि नरेंद्र भाई आज प्रधानमंत्री बनकर काम कर रहे। मित्रों, कई समस्याओं को यहां अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से मंच पर रखा गया है। ये मंच इसीलिए होते हैं कि जनता की समस्याओं को सबकी जानकारी में लाया जाए, मगर मुझे भरोसा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बनी है वो सरकार कोई पूंजीपतियों की सरकार नहीं है, वो महाराष्ट्र के किसानों की सरकार है, महाराष्ट्र के गांव के लोगों की सरकार है, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की सरकार है। और आने वाले कुछ ही समय में ये मालूम पड़ जाएगा कि किसानों के लिए काम करने वाली सरकार, गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार, गांव के लिए काम करने वाली सरकार किस तरह से काम करती है। मित्रों, नरेंद्र भाई की सरकार ने 5 साल के अंदर, 5 महीने के अंदर जिस तरह से काम किया है वो 5 साल के अंदर भी करना नामुमकिन है, इस तरह से काम को शुरू किया है। और सरकार के काम की दिशा शुरू से गांव रहा है, गरीब रहा है और हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा आदमी रहा है। कई ऐसी योजनाओं को उन्होंने शुरू किया है जिसके कारण आज धीरे 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 देश की जनता में एक विश्वास की निर्मिति हो रही है कि नरेंद्र भाई आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। मित्रों, आगे जाने हमें कोई ज्यादा बात करना नहीं चाहता, मगर जनधन योजना, मेक इन इंडिया योजना, आदर्श गांव योजना, स्वच्छता अभियान, नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम, इरिगेशन के पानी को खेत तक पहुंचाने का कार्यक्रम, और मैं मानता हूं कि ये सरकार आने वाले दिनों में जिस अपेक्षा से देश की जनता ने ये सत्ता परिवर्तन किया था उस सभी अपेक्षाओं को पूरी करने में सफल रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। केवल देश में नहीं, विदेश में भी नरेंद्र भाई जहां जाते हैं पूरे देश को सम्मान मिलता है। अमेरिका हो, जापान हो, म्यांमार हो, कि आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं तो ऑस्ट्रेलिया हो, जहां पहुंचे वहां नरेंद्र भाई का स्वागत बड़ी गर्म जोशी से हुआ है। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।